बरसों से इंसान ने अपने मनोरंजन के कई तरीके खोज निकाले हैं। इनमें से सबसे पुरानी परंपरा है मेले की। छोटा कस्बा, कोई गांव या बड़ा शहर, इन सब में मेले लगते हैं। लोगों का जमावड़ा होता है, अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं। कोई दुकान लगाता है तो कोई मचमा, कोई गाने गाता है, कोई नाच के दिखाता है, कोई आग से खेलता है या कोई मौत के कुएं में गाड़ी चलाता है। मेला ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग प्रतिभाओं का मिश्रण एक ही जगह देखने को मिलता है। लेकिन इन सब लोगों की मेहनत, इनका हुनर, इनकी कला इन्हें अपने आप में स्टार बनाती है। मेले का बिग स्टार इन्हीं अलग अलग कलाकारों को आपके टीवी स्क्रीन तक लाएगा। अलग अलग मेलों में जाकर ढूंढेंगे उस स्टार कलाकार को जो लोगों का दिल जीत लेगा, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेगा, जिसको देख के लोग कहेंगे इसमें कुछ तो खास है यार, वो बन जाएगा मेले का बिग स्टार। नमस्कार, मैं परितोष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका उस शो में जिसका नाम है हॉर्लिक्स। प्रस्तुत करते हैं मेले का बिग स्टार पावर्ड बाय न्यूट्रीन और इसके सह प्रायोजक हैं मॉर्टिन। हुनर दिखाओ, टीवी पे छा जाओ। मेले का बिग स्टार, भैया जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये हुनर का मेला है। इस शो के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के तमाम छोटे बड़े शहरों में जाएंगे और वहां के खास मेलों में कुछ प्रतिभाओं को परफॉर्म करने का मौका देंगे। जो प्रतिभागी सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और हमारे चयनकर्ताओं की कसौटी पे खरे उतरेंगे, वो जाएंगे अगले चरण में जहां उनका मुकाबला होगा उनके जैसे ही छोटे बड़े मेलों से आए हुए प्रतिभागियों से। और उन प्रतिभागियों में जो सबसे बेहतर करेगा, जो उनको मत देगा, वो बनेगा मेले का बिग स्टार। तो भैया थाम लीजिए धड़कने, खत्म हो चुका है इंतजार, हम आए हैं लेके आपके लिए मेले का बिग स्टार। आइए चलते हैं अपने चयनकर्ताओं के पास और जानते हैं वो किस तरह का टैलेंट खोज रहे हैं और उनकी नजर में मनोरंजन की क्या परिभाषा है। तनवीर जैदी भोजपुरी फिल्म्स के अभिन्न अंग हैं। सुशील जौहरी अभिनय की दुनिया के जाने माने नाम है। मेले का बिग स्टार में इन्होंने भूमिका निभाई ऑडिशन के चयनकर्ता की। मेले के बिग स्टार के लिए जो क्राइटेरियाज हमने सोचे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है ओरिजिनलिटी। सबसे पहली जो जरूरी बात है वो है उसका अपना यूनिक टैलेंट, उसकी अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो होनी चाहिए। अब आपने कहीं किसी से अक्षय कुमार या शाहरुख खान या ऋतिक रोशन को कॉपी कर लिया और वो आकर सामने प्रस्तुत कर दिया तो उसमें मजा नहीं आने वाला। परफॉर्मर अपने आप को मंच पर किस तरह प्रस्तुत करता है, इसका माने ये नहीं कि वो बहुत ही सुंदर या लंबा चौड़ा या ऐसा दिखना चाहिए। नहीं, एक छोटा सा आदमी भी स्टेज पर अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कर सकता है कि वो हजारों लोगों की के ध्यान को आकर्षित कर सके। तो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए स्टेज प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। बात ये है कि होना ये चाहिए कि वो जो परफॉर्मेंस होना यार वो लाजवाब हो। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है माँ तरकुलहा देवी का। ये मेला हर साल चैत्र रामनवमी से लेके एक महीने तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो देर किस बात का, आइए देखते हैं कि इस मेले में कैसी कैसी प्रतिभाएं। माता के आशीर्वाद, उनके नाम से ये मेला लगता है। और आइए जानते हैं इस मंदिर के पुजारी से जो हमें इस मंदिर की महत्वता और मान्यता के बारे में बताएंगे। बाबू बंधु सिंह अंग्रेजों के डर से इस जंगल में छिप जाते थे। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिए तो वह जो है अंग्रेजों को पकड़ करके यहाँ बलि चढ़ा देते, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर इनाम रख दिया। एक सरदार मजीठिया जो है इनको पकड़वा करके अली नगर में बाबू बंधु सिंह की फांसी दी गई। फांसी माताजी ने 7 बार तोड़ा, 8वां बार ने माताजी से कहा माताजी आप हमको छोड़ दीजिए और हमको मरदाने दीजिए, अपने चोड़ में बुला लीजिए, और माताजी को डांट कर भगा दिए। उसके बाद वहाँ बंधु सिंह की फांसी हो गई और यहाँ 7 पेड़ का तरकुल था, 7 पेड़ का मुंडी टूट गया, कईयों बरस जो है खून बहता गया। जो लोग देखते थे अर्चक चक्र में पड़ते थे, माता जी की भक्ति करते थे, माता जी ने उनको हर मनोकामना पूर्ण कर दी थी। माता के आशीर्वाद के साथ और दिल में उम्मीद रखे हजारों लोग पहुंचे मेले का बिग स्टार के मंच पर
अपना हुनर दिखाने। मुझ में है मेले का बिग स्टार बनने की क्षमता, तो मैं ही बनूंगा मेले का बिग स्टार। मैं ही बनूंगा इस मेले का बिग स्टार। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ही मेले की बिग स्टार बनूंगी। ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेले का बिग स्टार मैं ही बनूंगा। मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता और मैं मेले का बिग स्टार बन के दिखाऊंगा। प्रतिभागियों में जोश और जुनून तो काफी नजर आ रहा है, पर क्या वो अपना ये जोश मंच पर भी दिखा पाएंगे? आइए करते हैं शुरुआत आज की परफॉर्मेंस के साथ। आपने डांस परफॉर्मेंस तो कई तरीके के देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी लिलीपुट डांस परफॉर्मेंस देखा है? तो आइए आपको मिलाते हैं अपने पहले प्रतिभागी से, जो आपके सामने प्रस्तुत करेगा एक बहुत ही अनोखा डांस। हमारा ग्रुप का नाम मस्ती मेकर डांस ग्रुप है। हम लिलीपुट एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मेले के बिग स्टार शो में। हम अपना ऑडिशन देना है, अगर हमारा परफॉर्म अच्छा रहा तो हम आगे जाएंगे और जीतेंगे। मेकर ग्रुप की इन लाइव पपेट्स को सलाम। कितना अद्भुत डांस था, कितना अद्भुत आपसी तालमेल था, इनका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा, और खासकर पेंटर ने जो पेंटिंग की थी उसके जो स्ट्रोक्स थे वो कितने सुंदर बने हुए थे। इतनी अद्भुत कला, इस कला को देखकर तो मन खुश हो गया। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजब के कलाकार सभी के सभी, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा सब फैंटास्टिक। क्या आर्ट थी, मंच का भी सही इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ डांस, उस पर अच्छा म्यूजिक, क्या बात है। उम्मीद है ये लोग और आगे जाएंगे और मस्ती दिखाएंगे और हम सबको मस्त कर देंगे। वाह, कमाल का रंग बिरंगा मेला, रंग बिरंगे लोग और रंग बिरंगा हुनर, मजा आ गया। सही कहा गया है, यहाँ की मिट्टी तमाम प्रतिभाओं को जन्म देती है। अभी तो हम मेले में आए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं देखा, असली मजा आएगा ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ होनहार, कुछ दमदार और कुछ और भी मजेदार प्रतिभागियों को। तो देखते रहिए, हॉर्लिक्स प्रस्तुत करते हैं मेले का बिग स्टार।